हमीरपुर जनपद की राठ कोतवाली क्षेत्र के धनौरी गांव में दबंग पिता पुत्रों ने गांव स्थित अपने प्लाट पर बैठे युवक को मारपीट कर मरणासन्न कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल युवक को राठ के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। घायल युवक के पिता सुंदरलाल ने राठ कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसका पुत्र शिवम गांव स्थित अपने प्लाट पर गया था, तभी वहां अमित ओम प्रकाश भूपेंद्र पुत्र बाबूराम व बाबूराम पुत्र बुल्ली आए और उसके पुत्र के साथ गाली गलौज करने लगे। बताया कि जब उसके पुत्र ने गाली गलौज करने से उनको मना किया तो उक्त चार दबंगों ने लाठी डंडों से उसके पुत्र को पीटकर अधमरा कर दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी होने पर उन्होंने अपने पुत्र को राठ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। सुंदरलाल, क्या घटना हो गई है? जी साहब, मेरा बच्चा शुभम सिंह है, वहाँ प्लाट पे गया था, दूसरे के हरभवन के प्लाट पे था, वहाँ से गया तो इसको मान लो डीले मारे हैं और अपने भाई को फोन करके साहब उसको बुला करके इन्हें तीन चार भाई ने बाप ने सबने मिल के वहाँ मारा। और जब मुझे पता चला तो मैं गया हूँ भूपेंद्र है और भूपेंद्र का भैया क्या नाम? ओम प्रकाश है, भूपेंद्र है, अमित और बाबूराम, इनने पीटा है। पीट करके साहब जब मुझे खबर मिली, पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे लड़के को उसने मारा, जब मैं गया हूँ तो वो पड़ा था, मैं उठा के ले आया सर। पुलिस में शिकायत की है? जी, पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस में साहब मैं गया हूँ, उन्होंने मतलब डॉक्टर के लिए भेजा है लिखे कि मैं। कैसी हालत है लड़के की आपकी? अभी तो साहब बहुत लस्ट है सर, अभी तो बहुत लस्ट है, हाथ टूटा है और पैर भी टूटा है। किस गांव का मामला है? धनौरी कहा था। धनौरी गांव जी।